आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है और मैं यही कहूंगा कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी करना है जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को एकदम सामने निर्धारित करिए और उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए एकदम प्रयासरत रहिए एकदम कोशिश करिए आप कहेंगे सर जो जीनियस लोग होते हैं जो प्रतिभा जिनके पास होती है अरे सर उस जीनियस और प्रतिभा की ऐसी की तैसी अगर आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे और जो प्रतिभाशाली लोग कहते हैं कि हम बहुत प्रतिभाशाली हैं आपने देखा होगा कि वो असफल लोगों की गिनती में आ जाते हैं इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित तो कर लेते हैं लेकिन निरंतर उसको पाने के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं मेरा सिर्फ यहां कहने का आशय यही है कि जो भी आपका गोल है उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहिए एक कहानी आपको सर सुनाना चाहता हूं और उस व्यक्ति का नाम है फ्रिज किसलर किसलर नाम है इस प्रकार से अगर हम बात करें तो फ्रिज़ किसलर दुनिया के एक बहुत बड़े वायलिन वादक हुए वायलिन बजाने वाले और फ्रिज किसलर से किसी ने कहा कि सर आप इतना दुनिया के टॉप क्लास के वॉलन वादक हैं यह तो भाग्य की बात है आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं वो भाग्य से सब कुछ हो रहा है तो उनके बारे में भी कहा गया कि सर आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं आप दुनिया के इतने बड़े वॉलन वादक हो गए उन्होंने कहा नहीं यह सब अभ्यास का नतीजा है यह सब कोशिश करने का नतीजा है और अभी भी मैं उसी प्रकार से कोशिश करता हूं प्रयास करता हूं रियाज करता हूं अभ्यास करता हूं जैसा मैं पहले करता था उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मैं एक महीने रियाज नहीं करूं अभ्यास नहीं करूं तो मेरे श्रोता जो है ना वो फर्क महसूस करने लगते हैं यदि मैं एक हफ्ते रियाज नहीं करूं कोशिश नहीं करूं अभ्यास नहीं करूं तो मेरी पत्नी फर्क महसूस करने लगती है और यदि मैं एक दिन भी कोशिश नहीं करूं या रियाज नहीं करूं या अपना अभ्यास नहीं करूं तो मैं खुद फर्क महसूस करने लगता हूं इसका मतलब क्या है कि इतना टॉप क्लास पर पहुंचा हुआ वायलन वादक भी यह कह रहा है कि मुझे भी एक प्रकार से निरंतर कोशिश करना पड़ता है निरंतर अभ्यास करना पड़ता है दुनिया के बड़े बड़े एथलीट हैं सर आप ये बताइए कभी ग्राउंड वो छोड़ते हैं कभी वो ट्रैक वो छोड़ते हैं उनको तो यही कहेंगे सर हम तो बड़ा ओलंपियन हैं हमें तो नहीं ट्रैक पर अब जाना है नहीं इतने बड़े बड़े सफल लोग भी अपने लक्ष्य को हमेशा रखने के लिए कामयाब बनाए रखने के लिए उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं मैं मान सकता हूं कि कोशिश करने के दिनों में आपके सामने मुश्किलें भी आएंगी आपका हिम्मत भी टूटेगा आप निराश भी हो सकते हैं हमारे गांव में एक कहावत है कि हिम्मत ना हारो बिसारो ना राम को तो यही चीज आप ध्यान रखिएगा आप राम को बिसारिये मत भगवान पर विश्वास करिए और अपने हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य के लिए लगे रहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को खारे समुंदर से भी एक दिन गंगा जल निकलेगा और बिल्कुल हम तब तक कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे जब तक हम गंगा जल को निकाल नहीं लेंगे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम